रायपुर से 7 बार के विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल पर प्रचार के दौरान गुरुवार देर शाम को हमला कर दिया गया। बृजमोहन बैजनाथ पारा में प्रचार के लिए पहुंचे थे, इस दौरान उनसे धक्का मुक्की की गई। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुँच गए। उन्होंने थाने का घेराव कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक बृजमोहन अग्रवाल के साथ हुई घटना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। हम जब बैजनाथ पारा मदरसा चौक पर पहुंचे तो वहां पर 20-25 लड़के सफेद ड्रेस में खड़े हुए थे और उनको हाथ जोड़कर मैंने कहा कमलपुर को वोट दीजिए, तो मेरी कालर पकड़ी गई, मुझे मारने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं ने और मेरे सुरक्षा कर्मी ने बीच बचाव कर मुझे घसीट कर ले गए और मदरसे में जाकर हमने शरण ली। अगर हम मदरसे में नहीं जाते तो शायद हमारे साथ क्या होता इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मदरसे में हमारे लिए दुआ भी की गई। जो हमला करने वाले लोग हैं, जिनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, अनवर ढेबर, राजा ढेबर, उन लोगों के गुर्गों द्वारा, और जो रायपुर की फिजा बिगाड़ने के लिए 500 से ज्यादा गुंडे बदमाश रायपुर में आए हुए, उनके द्वारा किया जा रहा है। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है हम धरने पर बैठे। प्रदेश में हम लगातार ये कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है, चाहे वो बीरनपुर की घटना हो, चाहे मलकीत सिंह की हत्या का मामला हो, जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, अब इतने वरिष्ठ नेता विधायक उन पर चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रकार से हमला होता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इन अपराधियों के खिलाफ कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस प्रकार से बीच चुनाव के दौरान राजधानी में इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर हमला करना ये दुर्भाग्यजनक है, राज्य की कानून व्यवस्था को दर्शाने वाला है। और इसलिए अब छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐसे लोगों को जो अपराधियों का संरक्षण करते हैं, अपराध करते हैं, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है। इस घटना की मैं निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि तत्काल अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए।